देश में कोरोना की तीसरी लहर का डर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्राइमरी स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्राइमरी स्कूल खोलने का सुझाव दिया है। ICMR ने कहा है कि पहले प्राइमरी स्कूल और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए। हालांकि यह फैसला डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर लिया जाएगा और दूसरे कई फैक्टर्स भी देखे जाएंगे। ICMR की सलाह है कि स्कूल से जुड़े सभी लोगों को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित किया जाए। वहां के टेस्ट पॉजिटिविटी रेट और पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को ध्यान देने के बाद ही स्कूल को खोलने का फैसला लिया जाना चाहिए। इससे पहले सोमवार को एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी सलाह दी थी कि जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है वहां पर अलग अलग चरणों में स्कूल खोले जाए। डॉक्टर बलराम भार्गव ने हाल ही में हुए सीरो सर्वे के आधार पर बताया कि बच्चों की इम्यूनिटी काफी मजबूत है। उन्होंने कहा है कि जून जुलाई में देश के 70 जिलों में 6 से 17 साल के बच्चों के बीच नेशनल सीरो सर्वे का चौथा राउंड पूरा किया गया, जिसके आधार पर यह साफ हुआ है कि बच्चों में इम्यूनिटी बड़ों की तुलना में बेहतर है और उन पर कोरोना का प्रभाव कम होता है। और जानकार प्राइमरी स्कूल खोलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। कई राज्य सरकारों ने 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं। हालांकि यहां भी ये छात्र और उनके पेरेंट्स पर निर्भर है कि वो स्कूल आते हैं या नहीं। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्कूल खोले गए हैं। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां स्कूल खुलने वाले हैं। MP और ओडिशा में 26 जुलाई से सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि कई राज्यों में अब तक स्कूल खोलने को लेकर असमंजस है और ये राज्य अब तक स्कूल ओपन करने के लिए तैयार नहीं।